सभी साधकों को हमारा नमस्कार। देखिए नीपैनिया की यानी कि घुटनों के दर्द को लेकर आज हम ये दूसरी वीडियो बना रहे हैं। आसन को आसान करने का तरीका इसमें देखिए किस तरह से हमने ये एक ये गद्दा टाइप एक कपड़ा लगा रखा है। देखिए इसे घुटने के नीचे इस तरह लगा लें, क्योंकि जिनके घुटनों में स्वाइलिंग वाइलिंग होती है, गर्म होता है, तो उन्हें थोड़ी परेशानी होती है, तो वो इस तरह से लगा सकते हैं। और देखिए थोड़ा पैरों को रिलैक्स कर लेंगे इस तरह से देखिए इस तरह से चलाएं, आगे पीछे चलाएं इस तरह से। हाथ यहाँ भी रख सकते हैं, हाथ यहाँ पे भी रख सकते हैं, पीछे भी इस तरह से। कमर सीधी करने के बाद इस तरह से देखिए, अब करना क्या है देखिए। मैंने ये एक कपड़ा ले रखा है लंबा सा, बेल्ट भी ले सकते हैं, एक तौलिया भी ले सकते हैं सपोर्ट के लिए। देखिए इस तरह से ये डालना हमें, अपनी कमर सीधी रखेंगे। देखिए इस तरह से हमें उठाना है, अपने सामर्थ्य के अनुसार रोक के रखें। दूसरे पैर से करेंगे, देखिए जितना उठा सके इतना उठा सकते हैं अपने सामर्थ्य के अनुसार। कमर सीधी रखनी है, यह हमारा एक अभ्यास हो गया। अब हम आपको दूसरा अभ्यास करके दिखाते हैं। अभ्यास में इसमें सीधे पीठ के बल लेट जाएंगे, और ये हमने जो ले रखा है कपड़े की पट्टी, इसको सीधे पैर में देखिए इस तरह से लगाएंगे। पहले थोड़ा घुटने को मोड़ के करेंगे अभ्यास को, क्योंकि अपना सामर्थ्य ये देखें कि हमारे स्वाइलिंग तो नहीं है ज़्यादा, वर्म तो नहीं है पैर पे, तो ये इसको देखकर करना होगा। पैर को सीधा रखेंगे और इतना मोड़ के करें अभ्यास को पहले, उसके बाद पैर को पूरा सीधा कर देंगे इस तरह से। देखिए अपनी तरफ खींच कर रखेंगे, हमारा दूसरा पैर भी सीधा रहेगा। इसी तरह से हमें दूसरे पैर से भी करना। देखिए एक बार और दिखाई देता हूं उसको करके, वीडियो लंबी हो जाती है फिर शिकायत रहती है। देखिए इतना इतना मोड़ कर करें और फिर सीधा कर दे पैर को। बाई साइड से बैठे हो जाएंगे। देखिए ये दो तरह से ये हमने आसन करके दिखाया। आसानी से जो हो जाए उसको आसन कहते हैं, और तेजी से किया जाए उसको व्यायाम कहते हैं। और ये पूरी तरह से आपके नी पैन को यानी घुटनों के दर्द को बहुत बड़ा फायदा देने वाला है। हम लास्ट में यही कहना चाहेंगे वीडियो के कि आप खुश रहें, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।